हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड आज यहां पे एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी समझने वाले हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बनाने का सोचा जहां पे तरह तरह की ऑप्शन की स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का हमारा पहला स्ट्रेटजी है जिसका नाम है कवर्ड कॉल। लाइक बटन को हिट कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत कुछ मिस कर देते हो आप, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली इवनिंग में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने फील्ड में टॉप के खिलाड़ी बन सकते हो, यानी आपका फील्ड ट्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, माइंड की रिकॉर्डिंग बटन को ऑन कर लीजिएगा। कवर्ड कॉल में क्या सिनेरियो होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। इसको मैं एक बार रिमूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी का नाम कवर्ड कॉल है और ये स्ट्रेटजी उनके लिए फायदेमंद है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। कैसे फायदेमंद है? इस स्ट्रेटजी को प्ले करने के लिए आपके पास कैश इक्विटी होनी चाहिए, शेयर्स होनी चाहिए। छोड़ के मत जाइएगा वीडियो अगर आपके मतलब की नहीं लग रही है, आप लर्निंग ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी बंदे के पास ITC का शेयर है। ITC से याद आया यार, आपको पता है ITC के ऊपर कितने सारे मेम्स बनते हैं, कितना ट्रोल किया जाता है कि ITC तो 200 टारगेट स्टॉप बाय एट 200 टारगेट 200 एंड स्टॉप लॉस ऑल्सो 200। इस तरह के मेम्स आपने सुने हैं तो कमेंट बॉक्स में यस बोलिए। तो बहुत मेम बनाया जाता है। क्या लगता है आपको कि फिर जो ITC के इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे ही नहीं कमाते हैं? अरे वही तो असली पैसा कमाते हैं। कैसे? एक स्टॉक है जो बिल्कुल रेंज बाउंड रहता है, आपको पता है, बट आपने इसमें होल्डिंग ले रखी है। मान लीजिए आपने 170 के भाव से ITC में होल्डिंग ले रखी है एंड अभी प्राइस 200 के आसपास ही चल रहा है। आपको पता है कि जितना मर्जी जोर लगा ले ये 210 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, घूम फिर के इसको इस तरह से ही चलना है, 210 के ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी आप इस स्टॉक में बने हो, आपके पास यहाँ पर 5000 स्टॉक है और एक एग्जांपल लेते हैं ITC का लॉट साइज, जो फ्यूचर्स में लॉट साइज है वो भी 5000 का है, राइट? आप क्या करोगे? यहां पर ITC का 210 रुपए वाला कॉल जो है वो शॉर्ट कर दोगे, कॉल राइट करोगे। कॉल राइटिंग का मतलब सेल करना। 210 रुपए वाला कॉल राइट कर दोगे कितने रुपए में? मान लेते हैं 3 रुपए का चल रहा है। ये कब करना होता है? जैसे ही नया मंथ स्टार्ट हुआ, मंथ को स्टार्ट होते ही जब प्रीमियम पूरे हाई पे है, टाइम कुछ भी डीके नहीं हुआ है, तभी हमने 3 रुपए के भाव से कॉल शॉर्ट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, 210 रुपए वाला कॉल हमने 3 रुपए में बेच दिया। कितना प्रीमियम हमें रिसीव होगा? 5000 का लॉट है, 3 × 5000 यानी हमें 15000 रुपए का प्रीमियम रिसीव हो गया। अब रूल पता है आपको, ये जीरो कब होगा 210 वाला? अब एक महीने के बाद इसका जजमेंट डे है, ये जीरो कब होगा? अगर ITC कुछ भी करके 210 रुपए के नीचे 209.90 रुपए या 210 रुपए पे ही क्लोज दे दे, राइट? ITC 200 रुपए के आसपास, मतलब 210 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे, तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम इसका जो 3 रुपए में हमने खरीदा जीरो हो जाएगा, क्योंकि बायर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। बायर क्यों एक्सरसाइज करेगा? जब बायर को बाजार से उसी रेट में मिल जाएगा या फिर उससे सस्ता मिल जाएगा तो बायर क्यों एक्सरसाइज करेगा? बायर एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका होल्डिंग जैसे का तैसे पड़ा है 5000 शेयर्स की, लेकिन यहां से आपको 15000 का मुनाफा हो गया। आपकी होल्डिंग का वैल्यू कितना था? आपने कितने में खरीदा था? 170 रुपए में, राइट? अभी 3 रुपए का बेनिफिट आपको मिल गया। अभी आपकी वैल्यू कॉस्टिंग कितनी आ गई? 167 की आ गई। 3 रुपए यहां से घट जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एग्जांपल को ध्यान से समझिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के माइंड में नहीं घुसा होगा। HDFC अपन ऐसे करते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं। आपके पास रिलायंस का शेयर पड़ा है 250 शेयर, ठीक है? 250 शेयर कैश में पड़ा है। आपने रिलायंस का चार्ट देखा, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया है रिलायंस में, लेकिन जितना मर्जी जोर लगा ले
इस महीने की एक्सपायरी 2800 के ऊपर नहीं होगी, आपने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया कि जितना मर्जी जोर लगा ले बेटा, 2800 के ऊपर तू नहीं क्लोजिंग देने वाला है। आप क्या करोगे, सीधा 2800 का स्ट्राइक प्राइस आप सेल कर दोगे, 2800 का कॉल सेल कर दोगे, राइट। 2800 का कॉल आप सेल कर दोगे, मान लो ये 10 रुपए का था, आपको यहां पर कितना में रिसीव हो जाएगा, 250 का लॉट है, 250 × 10, राइट, 250 × 10 कितना हो गया, 2500 रुपए आपको रिसीव हो गया। अब या तो रिलायंस ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी कितना चल रहा है रिलायंस, अभी चल रहा है ये 2661 रुपए, 2661 चल रहा है, 2700 चला जाए, 2750 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आपके पास कैश इक्विटी है, आपने कैश इक्विटी मान लो 2661 रुपए पे खरीदा है, 2700 पे चला जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, 2750 पे चला जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, बढ़िया बात है। यहां पे आपने 10 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया, ये भी आपको मिलेगा। मंथली एक्सपायरी समझ लो 2750 पे होगी, आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपने मान लो 2500 पे लिया था, एग्जांपल ले लेते हैं, 2500 पे आपने कैश इक्विटी लिया था, अभी 2661 चल रहा था, 2750 पे क्लोजिंग आ गई, तो आपको 250 रुपए कैश में फायदा हो गया, कैश मतलब इक्विटी शेयर्स में फायदा हो गया 250 रुपए, और 10 रुपए आपका ये 2800 वाला कॉल दे दिया, मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 260 पॉइंट का, 260 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया एक शेयर के पीछे, है ना, एक शेयर के पीछे, और 260 × 250 कर लो, कितना शेयर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला कंडीशन आप बोल रहे, ये तो तुम बता रहे हो ऊपर चला गया तो हमें कैश में फायदा हो जाएगा, नीचे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, कैश आपने लिया है 250 शेयर 2500 के भाव में, आपने 2800 का कॉल सेल कर दिया है, कितने में, सिर्फ 10 रुपए में, राइट, सिर्फ 10 रुपए में। अब मान लेते हैं अभी 2650 का भाव चल रहा है, नीचे आ गया 2650 से 2600 पे प्राइस आ गया और 2600 पे एक्सपायरी हो गया, आपको क्या होगा, 2500 पे लिया था या 2650 चल रहा था, आपको यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। अगर आपने ये ना सेल किया होता तो सिर्फ आपको 100 रुपए ही आ रहे होते, लेकिन अभी आपको 110 रुपए मिलेगा, 10 रुपए ये भी तो जीरो हो जाएगा, इसे कवर्ड कॉल कहते हैं। समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो यस बटन टाइप कीजिएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। जो भी होल्डिंग्स में काम करते हो आप, मंथली फिक्स्ड इनकम कमाया जा सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास इक्विटी शेयर होना चाहिए, जितना बड़ा लॉट साइज है उतना इक्विटी शेयर होना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए भाई, मनी भाई के बिना गुजारा नहीं है। मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा तब भी पैसा कमाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया, ITC अगर 5 साल तक लगातार 200 से 220 के रेंज में काम किया, 5 साल लगातार, कितने महीने हो गए, 60 मंथ हो गए, अगर हर बार इन्वेस्टर 230 का कॉल सेल करता था, हर बार 230 का कॉल सेल करता था और हर बार वो 3 रुपए का प्रीमियम लेता था, तो 60 × 3 कितने पॉइंट उसने ले लिया, 180 पॉइंट ले लिया। उसने इक्विटी शेयर जो खरीदा है सिर्फ 2 रुपए का खरीदा है, 180 रुपए उसको मुनाफा आ गया, 5 साल में उसका पैसा डबल हो गया, जितना इन्वेस्ट किया था उतना पैसा उसका डबल हो गया। तो ये स्ट्रेटजी, इसको कवर्ड कॉल बोलते हैं, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसका यूज़ करते हैं। चाहे आप यूज़ ना करो, लेकिन आपके माइंड में नॉलेज हो गया, कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।